सो टू मेक इट मोर रिलेटेबल आई विल जस्ट से कि ऐसी कोई सैड स्टोरी नहीं है. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग एंड नॉट ओनली फॉर पॉलिटी. उसके अलावा स्पेक्ट्रम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर मॉडर्न इंडिया. ठीक है. फिर आप एक एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है फॉर योर एंशियंट हिस्ट्री, आप वो फॉलो कर सकते हैं. और मार्क्सशीट आने के बाद आपने देख भी लिया है कि फिफ्थ और सिक्स में क्या प्रदर्शन आपके रहे हैं, और उस हिसाब से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके मार्क्सशीट के हिसाब से वो और अच्छा प्रदर्शन अपना कैसे कर सकते हैं फिफ्थ और सिक्स पेपर. नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है. दोस्तों, पीसीएस 2022 का अंतिम रूप से रिजल्ट आया, उसमें रिस्का मैम हमारे सामने हैं जिनका यूपीपीसीएस में 80 रैंक पे डीएसपी की पोस्ट पे चयन हुआ है. सबसे पहले तो अपने चैनल तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, प्लस धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया. मैम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल. थैंक यू मैम. मैम हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं क्या है. सो आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दौलत राम कॉलेज, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन आई थिंक 3-4 ईयर्स बैक, एंड आई हैव गिवन यूपीएससी एज वेल क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, एंड दिस वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट फॉर यूपीपीसीएस एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू. अच्छा मैम, आपको इंटरव्यू को लेकर कौन सा अटैम्प्ट रहा. फर्स्ट अटैम्प्ट एज आई या दिस वॉज माई सेकेंड मेन्स. मैम आपका माध्यम कौन सा. इंग्लिश. मैम जानना चाहेंगे कि जैसे आपके दिमाग में ये मोटिवेशन कब आया, कभी ये आपके दिमाग में आया कि आपको अधिकारी बनना है, मतलब बचपन से ही आप अधिकारी जैसे छात्र थे, या किसी गाड़ी को या किसी रुतबे को देखकर कैसे आपने सोचा मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए. नहीं, ऐसा किसी चीज़ से कुछ नहीं, मतलब ऐसे कोई प्रेस्टीज के पीछे आई एम नॉट मैड अबाउट दैट. इट वॉज लाइक मतलब अपना कॉलेज का प्रेपरेशन ख़त्म किया, सो लाइक एवरीबडी आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एक्चुअली. So I actually took coaching with time management and quite a few, I think 2 years I prepared for CAT. Then फिर कुछ parents ने, peers ने, you know, you start to realize after some time के क्या करना है आपको life में, and then eventually I saw that I needed to help. That thing came in my mind itself के I need to help people, and that is why this was the path I thought के this is the most appropriate path. मैम हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे आप छात्र थे तो छात्र जीवन से आप सेलेक्टेड हो गए एज ए डीएसपी की पोस्ट पे चयनित हो गए, तो इस मूवमेंट में डीएसपी की पोस्ट तक चयनित होने तक में क्या सबसे वो बेहतरीन मूवमेंट था. जैसे हम बात कर लें पहली बार जब वर्दी मिला होगा आपको वो मूवमेंट आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, और कब आपने सोचा होगा कि पहली बार वर्दी मिला है तो हम अपने कौन से ऐसे सदस्य हैं परिवार के घर के किसको हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उस मूवमेंट को थोड़ा आप शेयर करें जिससे मोटिवेशन आए हमारे व्यूअर्स के अंदर में चीज़ें. यस, आई थिंक इन सब चीज़ों से पहले तो जब रिजल्ट आया था आई थिंक दैट डे इटसेल्फ वाज मतलब बहुत अच्छा लगा था. किसी ने एक्चुअली कॉल करके मुझे बताया था दैट आई गॉट सिलेक्टेड, एंड एज सून एज आई हर्ड दैट न्यूज़ मैंने सबसे पहले मेरी मदर को कॉल किया था. मेरी मदर थी नहीं उस टाइम, शी वॉज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया, एंड माई मदर वॉज ऑल्सो शॉक, मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रही थी. फर्स्ट आई जस्ट टोल्ड हर कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, आई डिड नॉट टेल हर दैट आई बिकेम डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. एंड जब मैंने उनको बताया मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, देन उसके बाद मैंने उनको बताया कि आई गॉट डीएसपी, देन शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी. तो मैम हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताइए कि आप यूपी पीसीएस का स्पेशली आप एग्ज़ाम दिए कि और एग्ज़ाम आपने दिए इसके पहले, अभी आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो. नहीं, एज आई टोल्ड कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी इन दिल्ली, एंड इवेंचुअली उसके साथ साथ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली माई फादर एंड माई मदर इज़ वेल उन्होंने मुझे बोला कि यू नो प्रिपरेशन सेम है, सिलेबस सेम है, करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है. अब तो खैर दो पेपर्स नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं, उस टाइम तक आई थिंक 2022 तक सेम था. सो देन उसी के चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं वो प्रिपेयर कर ही रही हूँ तो इसके साथ साथ ये भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, एंड दैट वाज दी फर्स्ट फैक्टर. एंड ऑब्वियसली कोई भी सर्विस के लिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन नॉट जस्ट स्टिक टू वन सर्विस, यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग, आपको होना पड़ता है. अच्छा अब मैम कुछ ऐसे प्रश्न हम जानना चाहेंगे जैसे व्यूअर्स हमारे आपसे कोरिलेट करें, चाहे वो लड़कियां हों एज ए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाहे वो लड़के हों, कुछ ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं हर टॉपर्स में, वो देखना चाहते हैं कि हमारी सेम स्थिति उनमें यदि मैच कर रही है तो और भी इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों में.
तो मैम जानना चाहेंगे कि आपको अपने पढ़ाई के दरमियान से, और वो आप मतलब जो आपका कैट वगैरह करना चाह रहे थे तो उसको लेकर के पढ़ाई के दरमियान से लेके अभी तक में क्या क्या संघर्ष रहीं, क्या क्या कठिनाइयाँ आपने भी देखी हैं, तो उसको एक बार हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। सो टू मेक इट मोर रिलेटेबल आई विल जस्ट से कि ऐसी कोई सैड स्टोरी नहीं है, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग एंड जस्ट वन थिंग आई थिंक जो सेट अपार्ट करती है मुझे इज दैट आई एम एन ओनली चाइल्ड, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है पेरेंट्स का एंड उससे ज़्यादा सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो 3-4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, दे स्टार्ट यू नो आस्किंग योर पेरेंट्स के ऐसा क्या ही ये प्रिपरेशन कर रही है, कि अब इसकी तो शादी हो सकती है, आपके पास मतलब क्या आपके पास तो कोई और, यू नो यू डोंट हैव एनी अदर चाइल्ड, कि आप उनको बोलें कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी शादी हो जाए, तो देर वॉज लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ शादी एंड लॉट ऑफ टॉन्ट्स के यू नो इतना पैसे क्यों खर्च कर रहे हो इसके ऊपर, सो ऑल दीज थिंग्स जो आई थिंक हर कोई किसी के घर में रहता है, स्पेशली विद गर्ल्स, इवन बॉयज़ भी, हम आजकल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लड़के और लड़कियों की कंडीशन एग्जैक्टली सेम ही है, स्पेशली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इवन लड़कों को भी बहुत फोर्स करते हैं आजकल, तो आई थिंक दैट इज़ दिस थिंग आई वुड से, एक प्रकार से सोसाइटी का शराब भी कह सकते हैं, जो शराब सोसाइटी में लोग बोलते रहते हैं यही चीज़ें। अब मैम हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे, सबसे पहले तो उन स्टूडेंट के लिए बात करेंगे जो एकदम बेस में पढ़ाई करने आते हैं, मतलब उनको बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन सी किताब लेके पढ़ाई करें, क्या कैसे करें, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। उसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो आजकल हमारे चैनल पे तमाम व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर किसी टॉपर से आप पूछिएगा कि प्री और मेंस के लिए जो किताबें हैं वो अलग अलग पढ़ते हैं कि एक ही किताब पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, मतलब ये तो सब आई थिंक सबको पता है कि एनसीईआरटीज तो कवर करनी ही है आपको। नहीं मैम बहुत से व्यूअर्स को नहीं पता, उन्हें लगता है कि वो इतने भ्रमित हो गए हैं, उन्हें लगता है सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से प्री निकल जाएगी, जबकि उनको ये नहीं पता होता है अगला पोर्शन कि उसके बाद मेंस भी देना होता है। तो आपका फाउंडेशन, जैसे कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो योर फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग, तो फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होगा जब आपकी एनसीईआरटीज टिप्स पे होंगी। एंड मैंने एक और भी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ बोली है, आप सोर्स लिमिटेड रखें, आप जैसे क्लास 9th की एनसीईआरटी या फॉलो कर रहे हो ज्योग्राफी के लिए वो इनफ है, उसी को एक बार पढ़ें, उसी को बार बार पढ़ें, फॉर योर प्रिलिम्स ऑल्सो, फॉर योर मेन्स ऑल्सो। और अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, द हिंदू तो एवरीबडी फॉलोज, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो एंड यू हैव अ न्यूज़ कोरिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आप उसको वहाँ पर अपडेट करते रहें। यू शुड ऑल्सो बी थरो विद द सिलेबस, बिकॉज काफ़ी लोगों को सिलेबस ही नहीं पता रहता है। थरो का मतलब ये है कि इट शुड बी ऑन योर टिप्स, GS1 में क्या आता है फॉर मेन्स, GS2 में क्या सब टॉपिक्स हैं, सब पार्ट्स हैं, तो ये सब आपका ऑन टिप्स होना चाहिए, तभी आप न्यूज़पेपर में से उसको फ्लश आउट कर सकते हो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो अगेन ये आपको बेसिक चीज़ें इज़ योर एनसीईआरटीज कवर करनी पड़ेंगी फॉर योर प्रिलिम्स एंड योर मेन्स बोथ, एंड देन यू रीड योर न्यूज़पेपर्स एवरी डे। फिर कोई भी एक मैगजीन जो भी आपको अच्छी लगती है, एनी मैगजीन, ठीक है, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनी थिंग यू लाइक यू प्रेफर, उसको आप फॉलो करिए एंड कीप ऑन अपडेटिंग योर नोट्स एज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैम जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग की या कहाँ कहाँ से कुछ मटेरियल वगैरह प्राप्त किया? मैंने फॉर PCS तो एज सच कोई कोचिंग नहीं करी है, फॉर UPSC आई डिड अ कोचिंग, एक फाउंडेशनल कोचिंग करते हैं सब लोग, वो भी करी, बट दैट वॉज लीस्ट हेल्पफुल, मतलब ऐसा कोई बहुत उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई थिंक जो सेल्फ स्टडी से मुझे इम्पैक्ट पड़ा, दैट वॉज द बेसिक थिंग। आप जब तक सिटिंग नहीं करोगे 12 आवर्स की, 10 आवर्स की, एंड यू डोंट डेडिकेट योर सेल्फ टू द सब्जेक्ट, वो जो भी आपको टफ लगता है, इकोनॉमिक्स टफ लग सकता है, किसी को हिस्ट्री टफ लग सकता है, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए, एंड देन यू कैन क्लियर द एग्जाम, दिस नथिंग इज टफ एक्चुअली। मैम जैसे अब जानना चाहेंगे थोड़ा सा कम शब्दों में ही कि जो बेसिक्स बुक्स हैं, जैसे जो मेन्स के लिए पढ़ता है और प्री में भी वही सारी चीज़ें होनी है ना, तो बेसिक्स बुक्स के कुछ नाम इंग्लिश माध्यम में यदि आप बता दें, मतलब सारे नाम जो सामान्य अध्ययन के GS के हैं, yes. के लिए और मेंस में भी काम आ रहे हैं। यस, सो ऑब्वियसली अगेन आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ लक्ष्मीकांत, आई तो जस्ट फॉलो दैट ओनली फॉर पॉलिटी। उसके अलावा स्पेक्ट्रम इज वेरी एसेंशियल फॉर योर मॉडर्न इंडिया, ठीक है। फिर आप एक NCERT है, ओल्ड NCERT है फॉर योर एंशियंट हिस्ट्री, आप वो फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आई फॉलोड, अगेन फॉर ज्योग्राफी एज आई टोल्ड यू ऑल, मैंने 11th और 12th का, नॉट 12th, 11th की दो NCERTs हैं एंड एक 9th की NCERT है, आई फॉलोड दैट फॉर ज्योग्राफी। फॉर इकोनॉमिक्स आई डिड सम रोनाल के नोट्स एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प मी,
फॉर EVS अगेन शंकर IAS की एक बुक आती है, आई फॉलोड दैट एंड या आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट. ये लाइक ये तो बेसिक बुक्स हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस. इसके अलावा फिर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? इसके अलावा आई रीड न्यूज़पेपर एक्चुअली करंट के लिए. उस पर थोड़ा हम बाद में आते हैं, जैसे कि सामान्य अध्ययन में ही सिर्फ इसके अलावा इन बुक्स के अलावा भी लाइक घटना चक्र और भी तमाम चीज़ें आती हैं ऐसे कुछ? नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं करा. करंट अफेयर्स की एज आई सेड कोई भी PYQ टेस्ट सीरीज, हाँ नहीं PYQs तो आई सॉल्व एग्जैक्टली. एंड कोई मैगजीन ऐसा नहीं, कोई भी यू कैन फॉलो एनी इंस्टीट्यूट यू लाइक. आई थिंक विजन की एक मैगजीन आती है, फोरम IAS की एक मैगजीन आती है एग्जैक्टली करंट के लिए. कोई भी जो भी आपको अच्छी लग रही है, जिसकी लैंग्वेज ईजी लग रही है या कंटेंट थोड़ा प्रिसाइस लग रहा है, वो आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी एक मैगजीन. अच्छा एक पूरा हो गया हमारा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के चीज़ें. अब मैम बहुत कम दिन था ही, अभी PCS का एग्ज़ाम भी होने वाला है, आई थिंक अक्टूबर वगैरह में एग्ज़ाम होने वाला है जब भी है, तो छात्रों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो गया और मुख्य परीक्षा के लिए हम डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि बहुत ढेर सारे स्ट्रेटजी रणनीति टॉपर्स के पड़े हुए हैं. बस हम ये जानेंगे आपके अनुभव के हिसाब से कि मुख्य परीक्षा में ऐसा क्या बदलाव करते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो नहीं सेलेक्ट होते हैं. आपके हिसाब से वो क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आपको क्या बेस्ट अपना रखना चाहिए जिससे आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर जाओगे? आई थिंक टू समराइज इट आई वुड से कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज इट लाइक इफ़ यू आर डूइंग दैट. आप 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर एंड यू आर डूइंग यू नो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व. You should have that practice के exam में जाके आपको answer formulate नहीं करना पड़े. You already have practiced that particular question आपके preparation के time पे. So answer writing maximum exam से पहले just वही करना है. आपका syllabus पहले से ही ख़त्म हो जाना चाहिए and exam के पहले only answer writing, that's it. अब मैम लास्ट प्रश्न तरफ बढ़ रहे हैं, दो और मेरे लास्ट प्रश्न हैं. एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि इस बार UPPCS में GS 5th और 6th बिल्कुल नया पेपर था. अब जो छात्र आ रहे हैं उसके लिए मटेरियल्स वगैरह इकट्ठा करेंगे और इस बार मार्कशीट भी आ गई है और मार्कशीट आने के बाद आपने देख भी लिया है कि 5th और 6th में क्या प्रदर्शन आपके रहे हैं और उस हिसाब से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके मार्कशीट के हिसाब से वो और अच्छा प्रदर्शन अपना कैसे कर सकते हैं 5th और 6th पेपर में, GS 5th और 6th पेपर में. ओके सो अगेन उसमें एज आई सेड सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट, उसके सब टॉपिक्स रहते हैं. एज आई सेड ये GS के लिए एक यू नो क्या कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है कि आप सिलेबस के सब टॉपिक्स को ध्यान रखिए, ठीक है. एंड देन एनी बुक यू माइट बी फॉलोइंग अगेन एज आई सेड कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी कोचिंग, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोचिंग नहीं है कि इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो मुझे ये फॉलो करना है. आप वो पर्टिकुलर टॉपिक लेके उस इंस्टीट्यूट का या आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव बिकॉज आपको सिर्फ उसको मेंस के लिए पढ़ना है एंड निकालना है. सो रादर इट्स बेटर कि किसी ने प्रिपेयर कर रखा है एंड यू फॉलो दैट. एंड अगेन एज आई सेड न्यूज़पेपर से आप उसको जो करंट टॉपिक्स हैं वो स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन को असिमिलेट करके आप अपना आंसर्स को प्रिपेयर करिए एंड उसको प्रैक्टिस करिए, दैट इज़ इट अगेन. अच्छा यही सारी चीज़ें मैम आपके भी सोर्सेज यही रहे थे जो आपने बताए हैं अपने लिए? यस. अच्छा अब मैम इसमें लास्ट प्रश्न हमारा ये है कि जैसे आदमी छात्र पढ़ना चाहता है लेकिन वो सोशल गैदरिंग के कारण वो पढ़ नहीं पाता, लाइक सोशल मीडिया हो गया, दोस्त हो गए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, तमाम प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तो आपका मतलब क्या सजेशन होगा, मतलब सारे जो सोशल गैदरिंग है इनसे आप कैसे बच के रहे या फिर आपके थे ही नहीं ऐसा सारी चीज़ें? या आई वुड जस्ट से फॉर द लैटर पार्ट मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. आई जस्ट थिंक आई हैड वन और टू फ्रेंड्स. आई इवन डिड नॉट यूज़ अ स्मार्टफोन व्हाइल आई वाज इन माय प्रिपरेशन टाइम. So, because that was a distraction for me. I was not on any social media platform. Uske baad when I got selected, then I came on all the social media platforms. Okay. Uske pehle I was not on any Facebook, Instagram, anywhere. तो मैम वो की पॉइंट क्या था जिसको आप पकड़ के बैठ गए थे कि मुझे तब तक सोशल मीडिया पे नहीं जाना जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता? Yes. मतलब वो क्या मोटिवेशन आपने पकड़ा था अपने अंदर की मुझे करके ही तब इन सब चीज़ों में जाना है, तो वो अगर व्यूअर शेयर करना चाहें तो? येस बिकॉज मुझे अपना प्रोफाइल नेम के आगे वो अपना प्रीफिक्स लगाना था कि यू नो समथिंग समथिंग ऋषिका सिंह, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड एक्चुअली. मतलब मोटिवेशन आपका जो था संघर्ष आपने उसके लिए किया, सारी चीज़ें होंगी. अब मैम आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का? ऑब्वियसली माई मदर, आई थिंक शी हैज़ बिन विद मी सिंस दी स्टार्टिंग से लेके अब तक वो रही हैं. एंड हाइज में तो सब साथ रहते ही हैं, लोज में मेरी मदर ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया. आई थिंक शी वॉज देयर जब मेरा इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हुआ था,
प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, सो दैट इज अ लाइक शी इज एवरीथिंग टू मी। अच्छा, मैम हमारा चैनल कभी आपने देखा या जानते हैं? यस, मैं थंबनेल्स देखती रहती हूँ, सो आई एम अवेयर, आई एम वेल अवेयर। थैंक यू मैम। मैम कुछ मोटिवेशन लास्ट में हमारे व्यूवर्स के लिए यदि आप अपनी तरफ से देना चाहें? सो आई विल जस्ट से के यू नो कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। आई होपफुली आई एम राइट इन दिस, एंड जस्ट अपना काम करते रहिए। आप सोचिए मत कि मैं अब सेलेक्ट होऊंगा या सेलेक्ट होंगी, उसके बारे में नहीं सोचना है। यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड इवेंचुअली अगर आप पढ़ रहे हैं, इफ यू गिविंग योर 100%, आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। आई थिंक ये बहुत ही टाइम मतलब टेस्टेड फॉर्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट आई थिंक द व्यूअर्स विल रियलाइज देमसेल्व्स जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आई विल से दैट। चलिए मैम, बहुत कीमती समय आपने हमारे चैनल लिए दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू मैम। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।